वाईएसआर कांग्रेस, आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस भी इस चुनाव में अकेले लड़ रही है। तो ये वो कुछ छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल हैं, जो कि बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया है। और आगे ये जो धार्मिक चिंतन है, ये जो जातीय चिंतन है, इस पर कोई ना कोई एक प्रश्न चिन्ह की जगह, एक पूर्ण विराम की जगह, एक फुल स्टॉप लग सके। न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, और अब मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण। मुद्दा देश का, मैं आज दो अहम मुद्दों पर बात करेंगे। एक ये कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन जो ये दल है, चाहे वो एनडीए की मैं बात कर लूं या फिर मैं इंडी गठबंधन की बात कर लूं, इसमें कई सारे दल हैं, लेकिन उस दल में जो क्षेत्रीय पार्टी है वो कैसे बड़ी पार्टियों का कहीं ना कहीं टिकट काट सकती है, या ये कहें कि वोट काट सकती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर चर्चा करेंगे। और इसके अलावा एक सबसे अहम मुद्दा है जिसको लेकर आजकल बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं और कुछ राजनेताओं ने भी इसका जिक्र किया है, वो है कि आखिर जो राजनीति है वो दलितों की राजनीति क्यों अलग हो गई है। तो मुद्दा देश का में आज इन्हीं दो मुद्दों पर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। सबसे पहले बात कि कैसे कुछ दल ऐसे हैं जो दक्षिण से लेकर उत्तर तक बड़ी पार्टियों की हालत बिगाड़ सकती हैं या समीकरण बिगाड़ सकते हैं। देखिए, 40 दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी और 27 दलों के साथ कांग्रेस लोकसभा 2024 के रण को आमने सामने बनाने की लड़ाई में जुटी हुई है, लेकिन 8 राज्यों के 8 छोटे दल इन बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। इन 8 पार्टियों ने अकेले ही बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहा तो ये जा रहा है कि ये पार्टियां अगर बेहतरीन परफॉर्मेंस करने में कामयाब होती हैं तो कांग्रेस और बीजेपी का खेल खराब हो सकता है। एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन को इसका डर भी है, हालांकि सामने से कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन अंदर खाने डर तो है। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस इन पार्टियों के दबदबे वाले क्षेत्रों में अलग से रणनीति तैयार कर रही है। मसलन अगर देखें तो उम्मीदवारों का चयन इन्हीं पार्टियों के वोट बैंक को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, जिससे कम से कम डैमेज हो। बड़े नेता अपने कैंपेन में भी इन पार्टियों पर सीधे सीधे हमले नहीं कर रहे। संख्या के लिहाज से देश भर में इन पार्टियों का वोट प्रतिशत भले 15% के आसपास हो, लेकिन लोकसभा के करीब 230 सीटें ऐसी हैं जहां इनका दबदबा काफ़ी ज़्यादा है और ये चुनाव को त्रिकोणीय बनाने में सक्षम है। देखिए, दक्षिण से लेकर उत्तर तक इन पार्टियों का रौला जो है, या ये कहें कि रौला काटा हुआ है, अगर मैं टिपिकल लैंग्वेज में बात करूँ, अलग ही है। AIADMK अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कंडगम तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी है। वर्तमान में पार्टी तमिलनाडु विधानसभा में मुख्य विपक्ष की भूमिका में है। तमिलनाडु की 39 और पुडुचेरी की 1 सीट पर इस पार्टी का सीधा असर पड़ता है। पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन द्रविड़ मुद्दे पर एनडीए का साथ छोड़ दिया। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले AIADMK के एनडीए में लौट कर आने की चर्चा भी थी, लेकिन पार्टी ने अकेले लड़ने का फैसला ले लिया। तमिलनाडु में एक तरफ बीजेपी PMK जैसी पार्टियों का गठबंधन है, तो दूसरी तरफ DMK और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि दोनों में किसे बढ़त मिलेगी, ये AIADMK के परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। YSR कांग्रेस, आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी YSR कांग्रेस भी इस चुनाव में अकेले लड़ रही है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव भी प्रस्तावित है। आंध्र में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। पिछले चुनाव में YSR ने एक तरफा जीत दर्ज की थी, हालांकि इस बार पार्टी की राह आसान नहीं है। एक तरफ बीजेपी और TDP का गठजोड़ है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी मजबूती से लड़ रही है। आंध्र का रिजल्ट क्या होगा, वो भी बहुत कुछ YSR के परफॉर्मेंस पर भी निर्भर करता है। वंचित बहुजन अघाड़ी, भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी का संचालन करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अंबेडकर पार्टी को 6.92% वोट मिला था। बहुजन अघाड़ी कुछ दिन पहले तक इंडिया गठबंधन में शामिल थी, लेकिन सीटों पर बात नहीं बनने की वजह से उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। बहुजन अघाड़ी का महाराष्ट्र के करीब 12 सीटों पर सीधा असर है। पिछले चुनाव में अकोला सीट पर प्रकाश अंबेडकर दूसरे नंबर पर रहे थे। अंबेडकर के अकेले लड़ने को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि अंबेडकर बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है और महायुति का खेल बिगाड़ने की कोशिश में लगी हुई है। बहुजन समाज पार्टी,
मायावती की बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की 84 लोकसभा सीटों पर मजबूत स्थिति में है। मायावती 2019 में सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार पार्टी अकेले लड़ रही है। देखिए 2014 में भी बीएसपी अकेले चुनाव लड़ी थी और करीब 70 सीटों पर सपा का खेल खराब कर दिया था। सपा इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, लेकिन पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड की सीटों पर उसे बीएसपी का डर अब भी सता रहा है। वहीं बीएसपी ने इस बार बीजेपी के खिलाफ भी कई सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। बीएसपी मध्य प्रदेश की ग्वालियर चंबल में भी मजबूत स्थिति में है। बीएसपी अगर यहाँ बढ़िया परफॉर्मेंस करती है तो कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। केसीआर की बीआरएस तेलंगाना की मुख्य विपक्षी पार्टी बीआरएस इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है। तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं, जिनमें से पिछली बार बीआरएस ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस 2019 के मुकाबले ज्यादा मजबूत हुई है, लेकिन बीआरएस की कई सीटों पर खेल खराब कर सकती है। हाल ही में तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में बीआरएस को 37% वोट मिले थे, जो सत्ताधारी कांग्रेस से सिर्फ 2% ही कम था। तेलंगाना के शहरी इलाकों में केसीआर की पार्टी का अब भी दबदबा है। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी इस बार अकेले ही मैदान में है। बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। पहले ममता के सीपीएम और कांग्रेस से गठबंधन की बात कही जा रही थी, लेकिन आखिरी वक्त में ममता ने एकला चलो का राह अख्तियार कर लिया। ममता ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ मजबूत मोर्चेबंदी की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ ममता ने क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतारा है। तो वहीं बीजेपी के मजबूत गढ़ तमलुक ने युवा चेहरे दिबांशु भट्टाचार्य को उम्मीदवार बनाया। देखिए 2019 में बंगाल में बीजेपी को 18, कांग्रेस को 2 और ममता की पार्टी को 22 सीटों पर जीत मिली थी। इनेलो और जजपा हरियाणा में वैसे तो मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधन के बीच ही है, लेकिन सबकी नजर इनेलो और जजपा जैसी क्षेत्रीय पार्टियों पर बनी हुई है। दोनों पार्टियां इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है। जाटलैंड में दोनों का मजबूत पकड़ रहा है। जजपा हाल तक एनडीए गठबंधन में शामिल था। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं और 2019 में सभी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। 2014 में हिसार सीट पर वर्तमान में जजपा के नेता दुष्यंत चौटाला ने जीत हासिल की थी। तो ये वो कुछ छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल हैं, जो कि बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया है। चाहे वो साउथ की हम बात कर ले, चाहे हम नॉर्थ की बात कर ले, यहाँ पर बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो पूरी तरह से खेल बिगाड़ने में सक्षम है। भले ये ना जीते, अच्छा खासा इनका सीटें ना मिले, लेकिन वोट परसेंट अगर इनके पास जाता है तो वोट कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों का कट सकता है। इसके अलावा जो हमने दूसरा टॉपिक बोला था वो ये था कि आखिर दलित ध्रुवीकरण और दलितों की राजनीति कैसे 2024 में देखी जा रही है। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस की मोदी परिवार में वापसी के प्रतीकात्मक महत्व को नकारना मुश्किल है। देखिए समकालीन भारतीय राजनीति गठबंधनों के सहारे आगे की ओर बढ़ रही है। इससे सामाजिक ढांचे की सच्चाई अपनी आवाज बुलंद कर रही है। जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समाज के सभी समूहों की भागीदारी होती है तो उस घर में भी दिए जलने लगते हैं जहां सदियों से अंधेरे ने बसेरा कायम कर रखा है। रामविलास पासवान की मौत के बाद लोजपा दो गुटों में बढ़ गई थी। पासवान की राजनीतिक विरासत को जाति और परिवार की सीमाओं में समेट कर नहीं परखा जा सकता। ये सच है कि दलित समाज अपने अंदर एक मध्य वर्ग के उदय से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन दलित राजनीति अब से शोषण और अत्याचार के अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं रही, बल्कि अब ये हिंदुत्व की व्यवस्था का अभिन्न अंग बन गई है। आजादी के बाद दलित आंदोलन के जरिए देश ने महत्वपूर्ण राजनीतिक करवटें ली हैं। काशीराम की बसपा अपने शुरुआती दिनों में सिर्फ बहुजन समाज के कल्याण की बातें करती थी, परंतु समय के दबाव में पार्टियों को संकीर्ण दायरे से बाहर निकालने के लिए विवश कर दिया और मायावती सत्तावादी राजनीति की प्रतीक बन गई है। जब उत्तर प्रदेश में मायावती के नेतृत्व में बसपा ने अपने बलबूते सरकार का गठन किया तो सामाजिक सोच को एक नई दिशा मिली थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनके राजनीतिक आभा मंडल के विस्तार को बाधित कर दिया था। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को ना तो सामाजिक स्वीकार्यता मिली और ना ही अपेक्षित मात्रा में वोट मिल सका था, क्योंकि मध्यवर्ती जातियों के दबंग लहजे में दलित समाज के सदस्यों ने कभी अपनापन नहीं देखा है। और यही वजह है कि आज भी दलित पिछड़ा राजनीति वजूद तलाशती हुई नजर आती है। देश के अलग अलग कोने में देख लीजिए, देश के अलग अलग हिस्सों में देख लीजिए, दलित पिछड़ा राजनीति समाजवाद धर्मनिरपेक्षतावाद के साए में अपना वजूद ढूंढ रही है, लेकिन साल 2014 के आम चुनाव में राजनीति की स्थापित परंपराओं को पूरी तरह से बदल डाला है। अब दलित समाज को हिंदुत्व की विचारधारा आकर्षित करती है।
चिराग पासवान की राजनीति शैली में परिपक्वता दिखाई देती है। मंत्री पद से दूर रहकर अपनी पार्टी लोजपा जो रामविलास की है उनकी 5 सीटें हासिल कर लेना एनडीए के अंदर उनके रुतबे के प्रदर्शन के पर्याप्त है। वे अभी युवा हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान के मामले में अपने हम उम्र नेताओं की तुलना में अधिक उदार है। बिहार के नौजवान में अपना भविष्य देख सकते हैं। तेजस्वी यादव राजद को आधुनिक स्वरूप नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें कुछ नया करना होगा। लोकसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी ने जिन लोगों को उम्मीदवार बनाया है उससे जंगल राज की अवधारणा को ही बल मिलता है। राजद सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने राज्यसभा में ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कुआं पाठ कर अपने वाक्य कौशल का परिचय तो बखूबी दिया, लेकिन उनकी पार्टी के एक नेता ने इसे अपनी बिरादरी का अपमान माना और परिवार सहित जदयू का दामन थाम लिया था और यही उचित समझा। दलित चिंतन और यूरोपीय दृष्टि बेहद जरूरी है। देखिए, कांग्रेस का युवा नेता कन्हैया कुमार राजद की कुटिल राजनीति के कारण ही बेगूसराय चुनाव नहीं लड़ पाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्हैया की बातों को लोग सुनना चाहते थे। हालांकि इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कन्हैया ने वामपंथी विचारधारा को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके छोड़ दिया। साम्यवाद और धर्मिक विशेषता के रोमानी अफसानों ने दलित समाज को कितना सशक्त किया है, इस मसले पर चर्चा करने के बजाय कथित मार्क्सवादी विचार लेनिन और स्टालिन की यादों में खो जाते हैं। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के योगदान को समझने के लिए यूरोपीय दृष्टिकोण की जरूरत नहीं है। भारतीय राजनीति की यह दुखद सच्चाई है कि मतदाताओं के लिए विचारधारा नहीं बल्कि नेता महत्वपूर्ण है। द्रविड़ राजनीति से करुणानिधि के परिवार को तमिलनाडु की सत्ता का स्थायी दावेदार माना गया है। डीएमके पार्टी के साधारण कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री पद के सपने देखने की इजाजत नहीं है। उदयनिधि मारन जब सनातन धर्म के विनाश की बातों को हवा देते हैं तो उद्देश्य दलित पिछड़ों का राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं होता, ये समझना हमें बहुत जरूरी है। अम्बेडकर एकता के प्रतीक पुरुष। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कोई नहीं कौन नहीं जानता है, हर कोई उनको मानता है, उनके सिद्धांत को मानता है, उनके संविधान को समझता है, लेकिन राजनीतिक कौशल का परिचय देते हुए देश को एक संविधान सूत्र में बांधने का काम उन्होंने किया, लेकिन आज वो सब नहीं हो रहा है। संविधान सभा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, किंतु बाबा साहब की उपलब्धि दलीय राजनीतिक विमर्श से परे रही। भारतीय जाति व्यवस्था की जड़ता से दुखी होकर अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। वे बुद्ध के जीवन दर्शन से प्रभावित थे, उन्होंने समाज को गरीबी और अशिक्षा से मुक्ति दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया था। हमें भी अभी यही करना है ताकि आगे हम बढ़ सकें और आगे ये जो धार्मिक चिंतन है, ये जो जातीय चिंतन है, इस पर कोई ना कोई एक प्रश्न चिन्ह की जगह, एक पूर्ण विराम की जगह, एक फुल स्टॉप लग सके। ये बहुत ज़रूरी है राजनीति के लिए भी और समाज के लिए भी। मुद्दा देश का में आज के लिए बस इतना ही, अगले सप्ताह फिर लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।